कवर यूट्यूब चैनल जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सीआरएस यूनिवर्सिटी ने भाई जारी कर दिया है रिवाइज एडमिशन शेड्यूल। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पूरा पता है भाई, जो आपके ऑनलाइन एडमिशन के सेशन के 2022-23 के स्टूडेंट है, ठीक है, उनकी जो ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है और पूरा डिटेल में इस वीडियो में पूरा बताऊंगा भाई, कब वेटिंग लिस्ट लगेगी, क्या कुछ है, कितना फीस का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसकी डेट क्या है, कौन सी फर्स्ट वेटिंग लिस्ट कब है, सेकंड फर्स्ट वेटिंग लिस्ट कब है, वो सारा डिटेल में समझाऊंगा ताकि किसी भी स्टूडेंट को डाउट ना रहे भाई। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद के नए अकेडमिक सेशन 2022-23 के लिए ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया जारी हो चुकी है। ठीक है, ऑनलाइन एडमिशन के लिए अभी तक 4200 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं भाई। ठीक है, डीन अकेडमिक अफेयर प्रोफेसर एस के सिन्हा ने बताया कि भाई ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि थी जो वो 28 अगस्त थी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 29 और 30 अगस्त रखी गई है भाई। ठीक है, जिसमें विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय नहीं आना है क्योंकि संबंधित विभाग ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा भाई। जो आपका देखो, एक बहुत बढ़िया बात ये होगी भाई, आपको कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या है, आपको उधर आने की जरूरत नहीं है, आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उन्हीं से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी। पहली मेरिट लिस्ट 5 सितंबर को लगाई जाएगी, उसके बाद दूसरी मेरिट लिस्ट लगेगी वो 8 सितंबर को लगेगी। ठीक है, उसके बाद दूसरी मेरिट लिस्ट की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस जमा करने की तिथि है वो 9 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक दोपहर 3 बजे तक रखी गई है। ठीक है, उसके बाद तीसरी मेरिट लिस्ट है जो उसकी 13 सितंबर को लगाई जाएगी, लिस्ट 13 सितंबर को जो तीसरी मेरिट लिस्ट है वो लगाई जाएगी। और तीसरी मेरिट लिस्ट की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस जमा करने की तिथि है वो 14 सितंबर को है, 15 सितंबर को रखी गई है। ठीक है, मतलब 14 सितंबर को है, वैसे 15 सितंबर तक रखी गई है। ठीक है, उसके बाद 16 सितंबर को बची हुई सीटें डिस्प्ले हो जाएंगी, बची हुई सीटों पर ओपन काउंसलिंग 19 सितंबर को दोपहर 1 बजे तक की जाएगी। ओपन काउंसलिंग में वही बच्चे आ सकते हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन पहले करवा रखा है भाई, जिन्होंने पहले करवाया उनका पहले आ जाएगा, जो बाद में करवाया उनका अगर रह गए तो वो अलग बात है। ठीक है, उसके बाद ओपन काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट है जो 19 सितंबर को शाम 4 बजे डिस्प्ले हो जाएगी, वेबसाइट पर भी मिल जाएगी आपको, बाकी आप मेरे डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप है वहां से आप जुड़ जाए, उस वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस जमा करने की जो अंतिम तिथि रहेगी ओपन काउंसलिंग की वो 20 सितंबर तक रहेगी भाई, आप लोगों की 3 बजे तक। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट है अपना 20 सितंबर तक पहुंच जाना, जिनका भी ओपन काउंसलिंग लिस्ट में नाम आ जाए। विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के अंतर्गत कॉलेजों के पोस्ट ग्रेजुएशन के एडमिशन के लिए 24 कोर्स है, जिसमें 7 नए कोर्स है जो मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बता दिया, जो नए स्तर से शुरू किए गए हैं। ठीक है, विश्वविद्यालय जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख ले होंगे, जो 7 नए कोर्स है कुछ इस प्रकार है। विश्वविद्यालय जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया भाई कि विश्वविद्यालय ने रिवाइज एडमिशन शेड्यूल भी जारी कर दिया गया, विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय से जुड़े रहे और अपनी बदली हुई तिथियों को ध्यान रखते हुए अपने एडमिशन प्रक्रिया पूरी करें। एडमिशन प्रक्रिया की जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर विजिट करें। ठीक है, तो यही आप लोगों को अपडेट देना था भाई, बाकी फिर भी कोई डाउट रह जाता है आपके एडमिशन से रिलेटेड, वेटिंग शीट से रिलेटेड और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया, वहां से आप मुझे कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हैं ताकि आप लोगों का सारे डाउट खत्म हो जाए। बाकी मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ, सीआरएस यूनिवर्सिटी से। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।